अभी आ रहा है मेरा फ्रेंड, फिर हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। ये देखो दूर दूर तक। अभी हमने बुक की है यंडेक्सिट टैक्सी और जाते हैं भाई। यंडेक्सिट बुक करो टैक्सी और जाओ, कहीं पे भी जाओ, सेफ एंड। हेलो हेलो इंडिया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये भाई बैठे हैं अभी हम टैक्सी में। तजिकिस्तान तजिकिस्तान बफेश। ये भाई साहब है तजिकिस्तान से, तो जा रहे हैं वहाँ। थैंक यू थैंक यू। और फिर बात करते हैं आपसे। भाई साहब ये गाड़ी थी हमारी, क्या मस्त बंदा, सीरियसली। एक कल वो चोमू मिले थे मक्ते साले, एक ही है भाई। ये है भैया कॉकटॉप, कॉकटॉप केबल कहते हैं। ये टॉप पे है अलमाटी में, यहाँ से पूरा अलमाटी आपको दिखेगा। दिखाऊँ मैं अभी भाई? अभी तो स्नो हो रही है और हाथ में मेरे मोबाइल पकड़ा हुआ है तो पूरा हाथ जम रहा है। ये देखो ये भैया काइंड ऑफ एक पार्क है और बहुत सी एक्टिविटीज़ है करने के लिए। कुछ नहीं तो ये इस मौसम में आओगे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना सुहाना इतना अच्छा मौसम है। चारों तरफ बर्फ़बारी, हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही भी है स्नो टाइप में, और मज़ा भी आ रहा है बहुत ज़्यादा यार। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इस स्नो में, जो सोचा था वो हो गया अपना पूरा। अभी साला रशिया नहीं जाएंगे तो अभी चलेगा, बट जाना है या कुछ भी जाना है -70 डिग्री टेम्परेचर में। इससे पहले ये -4-5 डिग्री सहन करके देख ले एक बार, होता ही नहीं होता। ये देखो ये क्या ब्यूटीफुल बना हुआ है यार, क्या मस्त लग रहा है भाई साहब, क्या बोलूँ भाई क्या बोलूँ, अमेजिंग। मतलब वो आगे और कुछ है, अभी देखते हैं। अरे बाप, सर्दी भी लग रही है। सर्दी भी है, ऐसी बात नहीं है, सर्दी तो अलग लेवल की सर्दी है भाई। मैं तो राजस्थान से आता हूँ, हमारे वहाँ इतनी सर्दी नहीं होती, मेरे वहाँ पे इतनी सर्दी नहीं होती भाई। स्नो हो रही है, ये स्नो हो रही है, भगवान जन्नत। चलो, अरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो यार, नहीं लगता है तो अभी एक लाइक तो कर ही दो भाई। ये देखो ये पूरा आगे, ओफ क्या मस्त बना हुआ है यार। ये तो कोई टावर दिख रहा है मेरे को, ये हमारे भाई साहब हमारे साथ में इरफान भाई, अच्छे बंदे, अच्छे नेचर के बंदे। दोनों मिल लिए थे तो सोचा प्लान साथ ही कर लेते हैं, एटलीस्ट टैक्सी का और जो खर्चा है वो तो आधा आधा हो जाएगा। ये भी बजट ट्रैवलर, मैं भी बजट ट्रैवलर। चलो भाई साहब, आपके वहाँ पे इतनी सर्दी पड़ती है क्या वो कोलकाता में? बिल्कुल भी नहीं, हमारे यहाँ तो 40 डिग्री रहती है। सेम राजस्थान में भी यही है कि इतनी सर्दी छोड़ के सर्दी तो पड़ती ही नहीं है। ये अभी तो शायद बंद होगा, ये रोलर कोस्टर शायद ही है। हाँ रोलर कोस्टर ही है, अभी पूरा बर्फ़ की वजह से बंद पड़ा है। कह रहा हूँ एक्टिविटी करने के लिए खूब है यहाँ पे, बट मौसम अभी वो एक्टिविटी वाला नहीं है। मौसम में बस आ गए घूम लो। आ भाई साहब मज़ा आ गया, मज़ा। उधर तो वापस कोई नीचे उतर रहा होगा कहीं,
ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ तक ही है, इससे आगे कुछ नहीं है उतरने के लिए। आगे तो है घर वर तो है। स्नो भाई साहब, मेरे लिए तो क्या एक्सपीरियंस है भाई, क्या एक्सपीरियंस है, मज़ा आ गया, सीरियसली मज़ा आ गया, सीरियसली। उज़्बेकिस्तान कुछ भी नहीं है भाई, भाई तरुण भाई, उज़्बेकिस्तान कुछ भी नहीं है। हम लोग उज़्बेकिस्तान गए, ठीक है टाइम पास हुआ, आप इस मौसम में आओ यहाँ पे, मज़ा आ जाएगा। काइंड ऑफ जहाँ पे सर्दियों के बर्ड से ये सर्दी वाले, ये तो मोर टाइप ही लग रहा है भाई, इतनी सर्दी में भी ये लोग चढ़ रहे थे। अरे भेड़ो, तुम कैसे सरवाइव कर रहे हो ऐसी सर्दी में भाई साहब? ये देखो ये भेड़, मेरे को ये अच्छा लगा यार, बड़ा अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगा। हालांकि अभी बंद है वेदर की वजह से, नहीं तो ये पूरा लाइक बच्चों के लिए है, पूरा घूमते घूमते उसको क्रॉस करना, काइंड ऑफ रोलर कोस्टर टाइप ही। सफल हो गए आना भाई। हाँ 1000 टेंगे दिए हुए, प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। 1000 टेंगे बस से फ्री में, आना है तो पैदल आ सकते हो, और रिटर्न टिकट लोगे तो 1500 टेंगे 1% बेस्ट। ये भैया पूरा टूर कॉकटॉप केबल्स का, यहाँ पर आप बाई बस आ सकते हो, बाई केबल्स आ सकते हो, पैदल आ सकते हो बाई बस। 1000 आने के, 1500 जाने के, लाइक 1500 आना जाना, पैदल फिर ही आप आ सकते हो। अच्छा है ये मौसम में, अच्छा है, गर्मी में तो ये मतलब नहीं आने का, ये पूरा लाइक कॉकटॉप टेबल, ये आप देख सकते हो। हम लोग अभी है यहाँ पे झूले के पास में, इतना पूरा लंबा चौड़ा है ये, अच्छा है लाइक ये वो झूला जहाँ हमने जिसकी बात कर रहा था। अभी चलो उधर चल के देखते हैं, अभी हम इधर गए थे पूरा घूम के आए, रोलर कोस्टर वगैरह वगैरह सब, और अभी हम इधर जा रहे हैं कॉकटॉप, इसको कहते हैं कॉकटॉप। ये कुछ शॉप्स है, सुविनर्स शॉप्स, ये झूला, यहाँ पे कोई कॉफ़ी शॉप। ये है भैया यहाँ से केबल कार, हम जो आए थे वो रूट बस का था, वहाँ से पैदल जा सकते हैं, बट आपको केबल कार लेना है तो ये देखो ये नज़ारा है यहाँ का, ये केबल कार। अभी हम लोग सोच रहे हैं जाने के लिए, पहले प्राइस पूछते हैं उसके बाद जाएंगे। ये पूरा अलमाटी, आई लव कॉकटॉप भाई साहब। अभी पूरा घूम लिया, यहाँ खा पी लिया, कॉफ़ी पी ली, फ्रेंच फ्राइज खा ली, ये झूला देख लिया और कोस्टर देख लिया, इधर पूरा घूमने के लिए है। अच्छा काफ़ी एक्टिविटी जो अपन पहले देखे, और अभी हम लोग निकल रहे वापस पैदल, पैदल पैदल जाएंगे और थोड़ा और मज़े करते हुए जाएंगे। तो चलो जाते हैं वापस, नीचे की तरफ उतरते हैं और होपफुली सीधा फिर होटल ही जाएंगे, हॉस्टल, और आज का यही करेंगे समाप्त दिन। रात में देखेंगे, रात में मेरे को नहीं लगता कहीं जा पाऊँगा, बट अभी तो कुछ लास्ट व्यू। ये हम लोग वापस नीचे उतर रहे अभी, और एक और अब भाई कार भी आ सकते हो, पर्सनल कार लेके, बट एंट्री फीस जो है ना 7000 रुपये एज अ टोल
वन लगती है, अभी मैं बताऊंगा आपको पर्सनल कार के लिए। बस में आओ, इनकी बस में उसका कुछ नहीं है, पर्सनल कार लेके आते तो 7,000 देंगे जी। और 3,000 था उसका रोल केबल कार का, 3,000 वन वे पर पर्सन के हिसाब से, तो हमने नहीं लिया। हम कुछ ये भाई कैमरा अगर कैप्चर कर रहा ना तो स्नो हो रही है, मज़ा आ रहा है। मैं ना आज तक 10 कंट्री घूमा ना, सब फैल फैल मतलब सब ठीक अपनी अपनी जगह पे सब, बट अलमाटी कजाकिस्तान नंबर वन पे भाई, नंबर वन पे। आई रियली गोना मिस्ड टू मच दिस लाइक वेदर, और कुछ नहीं चाहिए, ये वेदर, ये स्नो, इसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। बट आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो ज़रूर हम आएंगे अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए, पूरा कजाकिस्तान घूमेंगे, कजाकिस्तान एक्सप्लोर करेंगे। अभी सिर्फ अलमाटी है, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अलमाटी, अस्ताना और भी बहुत सारी जगह, बट फिलहाल के लिए केवल अलमाटी 3-4 दिन के लिए। आराम से भाई, आराम से। ये देखो ये क्या खूबसूरत नज़ारे यार, क्या खूबसूरत। ये भैया हम पूरा उतर गए नीचे, लाइक यहाँ से हमने शुरुआत की थी, यहाँ से बस ली थी, बस लेके हम गए थे। ये यहाँ पे अगर प्राइवेट कार लेके जा रहे हो तो 7,000 का वो कुछ पेमेंट देना पड़ता है, 7,000 टेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ बस को पूछते, नहीं तो फिर वहाँ से फिर उबेर ओला का कुछ देखते। ये इंडेक्स, उबेर ओला यहाँ नहीं चलती, ये इंडेक्स चलती है। लेट्स गो, चलते हैं हॉस्टल पीछे वाली, ये हमारी आगे गाड़ी है सब। अभी हम लोग बैठ के जाएंगे अपने अपने हॉस्टल्स। हाय हाय, चलो गाड़ी आ गई, थोड़ी सर्दी कम लगेगी भाई, और कुछ नहीं। पहुंच गए भैया हॉस्टल की लोकेशन पर, तो अभी जा रहे हैं हम लोग मिनी स्टोर, वहाँ से सोच रहा हूँ कुछ नूडल्स ले लूँ और हॉस्टल चला जाऊँ, वहाँ गर्म पानी है मिल जाएगा। तो 24KZ ये है छोटा सा स्टोर, लेट्स सी नूडल्स मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड। ये है तो सॉरी, मेरे को नहीं लगता इसमें किसी में वेज नूडल होंगे। सब कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडा है, ले लिया एक नूडल्स पैक लिया, इसके अलावा एक फ्यूजन टी ली, 2,000 टेंगे, ऑलमोस्ट 400 रुपये के आसपास। शाम के 7 बज रहे हैं, लाइट लग रही भी है, अंधेरा दिख भी रहा है, नहीं भी दिख रहा है। चलो दिन को करते यहीं समाप्त फाइनली, इसी के साथ इस व्लॉग को भी यहीं करेंगे एंड। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नए व्लॉग में कल सुबह।